माता जानकी का हरण किया। किसी ने रावण से पूछा, क्या तुम्हें पता नहीं माता जानकी कौन है? रावण बोला, पता है, राम जी का पता। रावण बोला, है कौन है? रावण कहता है कि हमें पता है ये साक्षात भगवान। रावण कोई साधारण नहीं, वो भी विद्वान है। रावण तो तभी राम जी को पहचान गया था जब खरदूषण का वध राम जी ने किया था। रावण ने विचार कर लिया, खरदूषण मौसम बलवंता इन्हीं कुमारे बिनु बलवंता। खरदूषण हमारे समान बलवान है, इन्हें भगवान के अलावा कौन मार सकता है? लगता है इस पृथ्वी पर भूखा भार हरण करने के लिए परमात्मा प्रकट हो गए हैं। रावण ने सोचा कि हमें भी अपना उद्धार करवाना है, क्या करें? राम जी हमारी लंका कैसे आएंगे? तो किसी ने कहा कि भाई जाकर आमंत्रण दे आओ, राम जी स्वीकार कर लेंगे, आ जाएंगे। रावण बोला, हम लोग पापी लोग हैं, तामसी लोग हैं, हम लोगों को भक्ति नहीं आती है, तामस्तन कछु साधन नहीं। तो रावण बोला, हम बुलाना चाहते हैं। बोले, क्यों? उद्धार करवाना चाहते हैं अपना। तो किसी ने कहा कि तुम अगर उद्धार ही करवाना चाहते हो तो राम जी को क्यों बुला रहे, वहीं चले जाओ, सामने कुछ नाटक करो, राम जी बाण मारेंगे, मर जाओगे, उद्धार हो जाएगा। रावण बोला, नहीं, हमारा तो उद्धार हो जाएगा लेकिन हमारे परिवार का क्या होगा? रावण कहते हैं कि हमें अपने साथ अपने परिवार का भी उद्धार करवाना है। तो क्या उपाय है? रावण विद्वान है। रावण ने सोचा, भगवान तभी आएंगे जब भक्ति यहां पर आएगी। तो रावण ने सबसे पहले भक्ति रूपी माता जानकी का हरण किया और अपनी लंका में बैठा लिया। और जहां भक्ति होती फिर भक्त को नहीं भगना पड़ता, भगवान दौड़े दौड़े उस नगर में चले आते हैं। जहां भक्ति होती वहां भगवान दौड़े चले आते हैं। बोलो सीताराम, बोलो वृंदावन बिहारी की जय हो। धन्य है रावण। रावण ने भक्ति को पकड़ा, भक्ति के पकड़ने से भगवान मिल गए। और हम लोगों को तो भगवान ही बचाए। हम लोगों की बुद्धि उल्टी चलती, हम लोग भगवान की पूजा भी करते हैं तो लालच बस। 100 ग्राम दूध चढ़ाएंगे, 1 करोड़ का खर्रा हनुमान जी को पकड़ा देंगे।